बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की हमारी रेसिपी है सूजी का केक, जो बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनने वाला है। और सॉफ्ट देखिए आप, और जालीदार उसके अंदर से कितने अच्छा बनेगा, और इतना मज़ेदार केक बना है। आपको यकीन नहीं होगा कि आपने सूजी से और घर में कम इंग्रेडिएंट से किस तरीके से बनाए। टूटी फूटी केक देखिए आप, कितना सॉफ्ट लग रहा है ना, था इतना सॉफ्ट, और खाने में बहुत ही अच्छा बनाता है ये। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसे किस तरीके से बनाया है। एक गिलास मैंने दूध ले ली हूँ, ये गुनगुना दूध है, दूध गुनगुना ही लेना। और ये मैंने ले ली हूँ सूजी, 250 ग्राम सूजी है ये, बारीक वाली। अगर मोटी भी है तो उसका कोई टेंशन नहीं है, उसको हम किस तरीके से बनाएंगे वो बताऊंगी मैं। सूजी की मैंने आधी शक्कर ले ली हूँ, तो ये 100 ग्राम से थोड़ी ज़्यादा शक्कर है। जितना मीठा आप खाते हैं केक उतना रख लेना, है ना। मेरा बिल्कुल परफेक्ट मीठा बना था। और अब हम एक बड़े से बाउल में सूजी को और शक्कर को इसमें शामिल कर देंगे, और दूध भी डाल देंगे, और इसको 20 मिनट के लिए हम इसी तरीके से मिक्स करके रख देंगे ढक के, जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाएगी और शक्कर भी मेल्ट हो जाएगी। इस तरीके से केक बनाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी बनता है और अच्छा। ये देखो, आपको ये मैदा नहीं, कुछ भी नहीं, बिना उसके हम कितना हेल्दी केक बना लेंगे। तो चलिए रखते हैं इसको हम 20 मिनट के लिए ढक के। ये देखिए अच्छे से फूल गई है सूजी, 20 मिनट होगा इसको रखे हुए। अब इसको हम मिक्सी की जार में डालेंगे और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इसके अंदर, और इसको हम हल्का सा पीस लेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सूजी है ना और भीग भी गई है तो जल्दी से पीस जाएगी ये। ये देखिए इस तरीके से हम इसको पूरे बैटर को हम मिक्सी की जार में डालेंगे। और मैंने ले ली हूँ दूध का पाउडर, 3 टेबल स्पून ली हूँ मैंने भर के दूध का पाउडर। ये शामिल करेंगे हम, इससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और 3 टेबल स्पून ही मैंने ले ली हूँ वेनिला वाला कस्टर्ड पाउडर, ये शामिल करेंगे। कस्टर्ड पाउडर से कलर बहुत अच्छा आता है और इतनी अच्छी खुशबू आती है केक के अंदर, बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर बनाना। ये देखिए कितना हेल्दी हम घर में केक बना रहे हैं ना, बहुत ही अच्छा बना था, ज़बरदस्त। और वो टूटी फूटी तो मेरी होममेड थी, आप लोगों ने उसकी रेसिपी देखी होंगे। अब ये शामिल करेंगे हम अच्छे से। ऑयल ले ली हूँ मैंने, 6 टेबल स्पून ऑयल है, ये रिफाइंड ऑयल है। आप इसकी जगह पे घी भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं, और फ्लेवर वाला ऑयल कोई सा भी मत लेना, सिंपल वाला ऑयल जो आता है ना, जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, वो वाला ऑयल मैंने शामिल करी हूँ। अब अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी मैं, और इसमें हम मिक्सी की जार में डाल के इसको पीस के लेके आते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से पीस गया है ना ये, और अभी थोड़ा गाढ़ा है दूध, थोड़ा और डलेगा इसके अंदर फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से, अब मैंने एक बाउल में निकाल ली हूँ, ये देखो है ना। अब इसको सेट में रखते हैं, ये टूटी फूटी ले ली हूँ मैंने, ये देखो। अब इसके अंदर थोड़ा मैदे को हम इसमें मिक्स करेंगे, और अच्छे से ऊपर नीचे कर लूँगी, जिससे कि ये ना एक ही जगह जाके चिपक नहीं जाए, बैटर में बैठ नहीं जाए। तो इसलिए इसको मैदा लगाएंगे ना, तो चारों तरफ केक में फैल जाती है ये। ये देखो टूटी फूटी तो बहुत काम आई मेरे, जो मैंने बना के रखी थी ना ये। अब इसके अंदर हम ये सब टूटी फूटी को शामिल कर देंगे। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल, बहुत ही मज़ेदार सा केक बना था फ्रेंड्स, इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ही अच्छा। अब अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसके अंदर टूटी फूटी को। अगर आप कुछ और भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ टूटी फूटी का सिंपल सा केक बनाई हूँ। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर है ये 1 टेबल स्पून, ये ले लिए हमने भर के बेकिंग पाउडर। 1/2 टेबल स्पून मैंने बेकिंग सोडा ली हूँ, ये शामिल करेंगे हम इसके अंदर। और थोड़ा सा दूध डाली हूँ, देखो मैंने आधी कटोरी कितना दूध और ली हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा सा बैटर को हमें वो करने के लिए। ये देखिए अब मिक्स करेंगे, अभी बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है, तो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे पहले इसको। पूरा आधा कटोरी दूध और डाल दी थी मैंने बैटर को, थोड़ा सा पतला करी हूँ उसमें, ज़्यादा पतला भी मत कर देना फ्रेंड्स, नहीं तो केक बनेगा नहीं, बहुत टाइम ले लेगा। और हम इसको बिना ओवन के बना रहे हैं, तो देगचे में बनाई हूँ मैंने, देगचे को मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दी हूँ गैस के ऊपर। ये देखिए अब मैदा डस्ट करेंगे हम बेकिंग ट्रे में, और सभी बैटर को हम इसमें शामिल कर देंगे। मैंने बेकिंग पेपर नहीं लगाई हूँ गाइस, इसी तरीके से ऑयल लगा के बस, और मैदा डस्ट कर ली हूँ। बहुत ही अच्छे से निकल के आ गया था, मैं आप लोगों को निकाल के भी बताऊँगी, देखना एकदम परफेक्ट केक बना था, और जला भी नहीं था, बहुत ही टेस्टी बना था ये केक। अब इसको मैं रख दूँगी 40 मिनट्स के लिए देगचे के अंदर, हम 40 मिनट्स, पूरे 40 मिनट्स में केक बन के रेडी हुआ था।
थोड़ा सा टैप करेंगे और थोड़ी सी टूटी फूटी ऊपर से शामिल करेंगे हम इसमें। देखिए कितने अच्छे सी टूटी फूटी, तो मुझे बहुत ही पसंद है फ्रेंड्स, मैं घर में बना के रखती हूँ उसको, तो बहुत काम आ जाती है मेरे। मैंने जर्दे की भी रेसिपी डाली हूँ, आप लोगों ने देखे ना, ये देखिए इस तरीके से मैंने देखे, मैंने गैस का स्टैंड को रख ली हूँ इस तरीके से, और मैं रेता वेता कुछ नहीं बिछाती हूँ ना नमक इसके अंदर, सिर्फ मैं इसको इसी तरीके से रखती हूँ। ये देखो आप ढक के हम इसको रख देंगे 40 मिनट्स के बाद, 40 मिनट्स के बाद आप लोगों से मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स 30 मिनट में मैंने खोल के चेक करी हूँ, क्योंकि मुझे खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी, तो मैंने सोची खोल के चेक करते हैं हम। तो मैंने टूथपिक डाल के चेक करी हूँ, तो हल्की सी गिल्ली आई थी वो, ये देखो हल्की सी गिल्ली आई थी, तो मैंने वापस से इसको रख दी हूँ 10 मिनट्स के लिए ढक के। 10 मिनट के बाद में बहुत ही अच्छा और परफेक्ट केक बन गया था फ्रेंड्स, ये मज़ेदार सा। ये देखो अब टूथपिक बिल्कुल ड्राई आई है, ज़रा भी गिल्ली नहीं निकली है, दिख रहा है ना आप लोगों के सामने बिना ओवन के। देखो कितना अच्छा केक बन के रेडी हो गया है, टेस्टी सा, और इतनी खुशबू हमारे घर में फैल गई थी ना बहुत ही अच्छे से, ऊपर से भी अच्छे से परफेक्ट कुक हुआ। आप ढक के मैं इसको ना 5 मिनट के लिए ऐसे ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे, 5 मिनट के बाद देखिए आप बेकिंग ट्रे देखिए आप खुद ही छोड़ दिया है केक ने, ये केक की निशानी है, देखना केक अच्छा बनेगा ना परफेक्ट, सब इंग्रेडिएंट्स डले हुए थे ऑयल वॉइल, तो खुद ही उसने टीन को ऐसे छोड़ दिया था बेकिंग ट्रे को, और आसानी से निकल गया था फ्रेंड्स, खाली मैंने हल्का सा टैप करी ऊपर से बस। ये देखिए कट करके बताती हूँ मैं आप लोगों को, कितना अच्छा बना है ना, बहुत ही अच्छा केक बना था, मज़ेदार सा। अगर रेसिपी पसंद आए आप लोगों को फ्रेंड्स, तो रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जो दबाना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।